हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकित भंडारी और अभी मैं आया हूं रुद्रनाथ के लिए। रुद्रनाथ जो कि पंच केदार में से एक केदार है, रुद्रनाथ उसकी यात्रा के लिए हम आए हैं। और जो ये जगह दिख रही है आपको, ये है पुंग बुग्याल। इसको कहा गया है पुंग बुग्याल। ये है सगर विलेज से 5-7 किलोमीटर की दूरी पे है ये पुंग बुग्याल। और इसका जो रूट है, हम आए थे अपने रुद्रप्रयाग जिले से तुंगनाथ होते हुए, बीच में तुंगनाथ के आगे बहुत ही घना जंगल है मंडल होते हुए, फिर आगे सगर गांव आता है। सगर गांव से हमने 5-7 किलोमीटर हम चढ़ाई करके आगे है और ये है पूरा पुंग बुग्याल। और अभी ये जो यात्रा है हमारी, वो है रुद्रनाथ के लिए, जो कि बहुत ही वीरान जगह है, बहुत ही बुग्यालों वाली जगह है, बहुत ठंडी जगह है। तो हम चार दोस्त आए हैं। ये हमारे दोस्त धन्नी, मेरा छोटा भाई नीरज। हेलो गाइस। और जो कैमरे पे मैं उनकी शक्ल भी आपको दिखाऊंगा, मुन्ना ने की एंड में। तो हम सारा सामान अपना लेके आए हैं। आजकल कोरोना का चक्कर है, तो सोचा कि ये किसी के संपर्क में ना आए हम सारे सब लोग। तो हमने पूरा टेंट वेंट, अपना राशन, पेट्रोल की बोतल आग जलाने के लिए, लाइटर वगैरह सब, टॉर्च वगैरह। अभी हम इसके आगे जगह हम कहीं अपना टेंट लगाएंगे और चढ़ते जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर जगह है रुद्रनाथ, बहुत ही वीरान जगह है, पंच केदार में से एक केदार है। यहाँ पे बहुत ही कम लोग आ पाते हैं, लोकल लोग ही आ पाते हैं। ये यहाँ से कम यहाँ 28 किलोमीटर हमें अभी पैदल चलना है पूरे हिमालय पर, हिमालय की तलहटियों में घने जंगल हैं पूरे। यहाँ पे देख सकते हैं बांज बुरांस के जंगल हैं, काफल के जंगल हैं। आगे भी मैं आपको दिखाता रहूँगा। और जो कैमरे पे है हमारे साथ, वो है हमारे मुन्ना नेगी और ये है पुंग बुग्याल। छोटे छोटे फूल खिले हुए हैं। अभी हम रात को आए हैं नीचे सगर गांव से लोटी बुग्याल, 10 किलोमीटर ऊपर है। हमने अभी टेंट लगाया था और वो टेंट हवा में बहुत ज़्यादा उड़ रहा था, इतनी हवा हो रही थी कि पूछो मत। फिर हमको यहाँ पे आश्रय लेना पड़ा। और ये यहाँ पे दुकानें हैं, आप भी आ सकते हैं, ये यहाँ पे 10 किलोमीटर दूर है। और मैं हूँ आपका दोस्त एंड होस्ट अंकित भंडारी, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम थोड़ा टाइम पास कर रहे हैं, हमारे साथ है हमारे छोटे भाई मुन्ना, नीरज और धनंजय, जो कि बहुत ही अच्छे गायक हैं, फोक सॉन्ग गाएंगे कुछ। बोलिए माता मेरी जगत कल्याणी जो माया, कहाँ जल मड़ी कहाँ ओत पाने, सबके समुद्र माता ओत पाना वे जो माया। जब तो तू राज पाठ दे तूने छुटा ले, तीन लोग मजे वे गे दे तू गुराज जोग माया। और अब मैं एक सॉन्ग सुनाऊंगा आपको, ये मैंने 2 साल पहले दूरदर्शन में गाया था देहरादून से। तो ये बहुत ही पुरानी कंपोजिशन है उत्तराखंड की, भगवान भोलेनाथ की। गौरी का गणेश जागा, शंकर का ध्यान रे, नंद की घाणी बाजी रे, हो महादेवा। तो ये इसकी कंपोजिशन है जगदीश ढोंडियाल जी की, और इसको हमने 2 साल पहले दूरदर्शन देहरादून से गाया था। हे गौरी का गणेश जागा, अरे गौरी का गणेश जागा, हे का गणेश जागा, शंकर का ध्यान रे, गौरी का गणेश जागा, शंकर का ध्यान रे। अरे नंदी की वाणी बाजी रे, महादेवा डांट पांचू में गे उदंकार रे, जाग जावा आज निरंकार रे। दोस्तों ये है लूट बुग्याल। कल रात को हम इसी दुकान में नीचे रुके थे और जैसे कल शाम हुई थी, मैंने यहाँ हम चार बंदों ने, ये जो नीला सा दिख रहा है यहाँ पे, नीला सा तिरपाल है, हरा सा तिरपाल, यहाँ पे हमने अपना कैंप लगाया। और रात को ही बारिश आ गई और टेंट वेंट में थोड़ा पानी आने लग गया,
तो हमने फिर यहाँ का रुख लिया। फिर रात को हम यहीं रुके हैं और ये है हमारे दोस्त। और हमने चढ़ाई करी थी, नीचे जो गांव दिख रहे हैं आपको वहां से हमने चढ़ाई करी थी। कल रात को हम यहाँ पे रुके, फिर हम अभी हमने ऊपर जाना है उस बुग्याल से भी आगे। हेलो दोस्तों, अभी मैं पहुंच गया हूँ पनार बुग्याल, जो कि बहुत ही सुंदर बुग्याल है। देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। आगे हिमालय दिख रहा है, अभी हमें उससे भी दूर जाना है। स्वर्ग है स्वर्ग दोस्तों। यहाँ आना बहुत ही मुश्किल है, पर अगर मन में जज्बा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इधर से भी ले सकते हैं, वहाँ भी दिखाओ। इसी को देखते हुए मेरा एक गाना है कन भली रंगीली, जो केदार खंडे जी ने लिखा है और मैंने कंपोज करा है। वो बहुत जल्दी आपके सामने आएगा, मैं उसकी चंद पंक्तियां आपको सुनाऊंगा। पहाड़ी में जाना। कन भली रंगीली रंगीलो रुमाल, कन भली रंगीली रंगीलो रुमाल, निरसिली धरती माँ उगी गे बुग्याल, निरसिली धरती माँ उगी गे बुग्याल। डांडी काठियों की स्वाणी आधार तू, डांडी काठियों की स्वाणी आधार तू, स्वाणी धरती की स्वाणी पहचान तू, स्वाणी धरती की स्वाणी पहचान तू, त्वे माँ समायू, त्वे माँ समायू, चकुमाऊ गढ़वा, त्वे माँ समायू, चकुमाऊ गढ़वा, कन भली रंगीली रंगीलो रुमाल, कन भली रंगीली रंगीलो रुमाल। ये गाना है मेरा खुद का और अभी मेरा मन करा इस बुग्याल, इसी को बोलते हैं जहाँ पे घास के मैदान होते हैं, सुंदर सुंदर फूल खिले होते हैं, उसको बुग्याल कहा जाता है हमारे पहाड़ी भाषा में। आगे पूरा हिमालय भी देख सकते हैं आप, ये हिमालय की चोटियाँ हैं बर्फ से आच्छादित वर्ष भर। इससे भी आगे एक बुग्याल है, पर दोस्तों बहुत ही थक लग गई है। अभी हमें इस रूट पे सिर्फ जो फ्लैग दिख रहा है उससे भी आगे जाके हमें जाना है। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है वो भगवान रुद्रनाथ की, जो कि पंच केदार में से एक केदार है, चौथा केदार रुद्रनाथ भगवान भोलेनाथ का मंदिर है वहाँ पे। वो पांडवों ने उसको बनाया था, फिर शंकराचार्य जी ने उसकी खोज करी थी। वाकई में भगवान भी आए तो कहाँ आए, देखो जहाँ जाना है इतना मुश्किल है। तो दोस्तों ये था नीचे पनार बुग्याल जहाँ से हमने चढ़ाई करी थी, और ये सामने हिमालय, और इस रास्ते से होके आए थे हम नीचे नीचे से। अभी हमें जाना है ऊपर इस चोटी के पार। हाँ, नीचे पूरा जंगल जंगल एरिया है, ऊपर पूरा जंगल खत्म हो गया है। मैं थोड़ा ये भी उतार देता हूँ। 1 किलो वेट भी ऐसा लग रहा है, पता नहीं कुंटल में रख लिया होगा मैंने, बट मेरे बैग का जो वजन है वो कम से कम 10 किलो है, 10 केजी। हे भोलेनाथ कहाँ आए आपकी। दोस्तों मैं ऐसी जगह, दो ही शौक है मेरे, एक तो संगीत और एक ऐसे बंजारा बन के घूमते रहना कहीं भी कभी भी। तो जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ की आपको वीडियो शेयर करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। नीचे घाटी, हाँ एक खासियत और है, हमेशा पहाड़ों में लाल बुरांस होता है, रेड कलर के एक फूल होता है बुरांस,
जो कि हिमालय की तलहटी में और हिमालय से नीचे उगता है, बट जहाँ पे ज़्यादातर बर्फबारी होती है वहाँ पे वाइट बुरांस उगता है। और वाइट बुरांस मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाइट फूल, ये वाइट बुरांस। वैसे इसका कलर होता है रेड, पर जहाँ पे बर्फबारी ज़्यादा होती है वहाँ पे वनस्पति ये थोड़ा ये वाइट हो जाता है। और ये देखो नीचे मेरे बहुत बड़ी घाटी, गलती से कोई फिसला तो गया। कैसी जगह है देखो, सुंदर। हमारे उत्तराखंड में सब कुछ है, इतनी प्रकृति ने इतना सुंदर रूप दे रखा है, पर यहाँ जाने के लिए इतनी रोड्स वगैरह नहीं है, आपको पैदल ही यात्रा करनी पड़ेगी। लग रहा है कि ऊपर आसमान छू लूं। दोस्तों जब ज़्यादातर यहाँ पे बारिश होती है क्योंकि बादल इसके नीचे होते हैं। कितनी ऊंचाई पे हमें, सुंदर। और जब भी आप घूमने आओ अपने पास पूरा सामान रखो अपना, खाना मैगी वगैरह जो भी है फास्ट फूड टाइप का, टेंट अपने पास जरूर रखना है, हथियार वगैरह कुछ चाकू वगैरह अपने पास रखना ही है, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। लाइट रखना है, इससे जल्दी आग जल सकती है। हथियार बोलते चाकू वगैरह, अच्छा चाकू इसलिए रखना ज़रूरी होता है क्योंकि यहाँ पे एक तो आपको लकड़ी वकड़ी काटने के लिए भी हो सकता है वो सूखी लकड़ी, और ऊपर से जानवर का खतरा, कभी भी कोई भालू शेर आप पे हमला कर सकते हैं। तो वैसे हमला तो करता नहीं, जब आग जलाई जाती है टेंट में तो आग से वो दूर हो जाते हैं। देखो कितनी मेरी सांस फूल रही, यहीं से यहीं तक आया सांसें, क्योंकि थोड़ा ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पे। नीचे है जंगल, ऊपर कुछ भी नहीं है। ओके, आगे भी आपको दिखाऊंगा।